बच्चों आज हम करेंगे सेवेंथ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम का प्रैक्टिस सेट 33। प्रैक्टिस सेट 32 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रैक्टिस सेट 33 स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। सबसे पहले लाइक टर्म्स को समझते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है 2x 5x माइनस 2 अपॉन 3x, तो इनमें लाइक क्या है, आपको इसमें एक ही टर्म मिल रहा है, 2 एंड x ये एक टर्म है, 5 एंड x ये भी एक टर्म है, माइनस 2 अपॉन 3x ये भी एक टर्म है। तो ये फर्स्ट वाले में आपको सभी टर्म्स एक जैसे दिख रहे हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर आपको जो कोएफिशिएंट दिया गया है माइनस 5 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई दिया। सेकेंड में आपको दिया है 6 अपॉन 7 वाई एक्स स्क्वायर। तो जो वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं उनके टर्म अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई सिंगल है, यहाँ पर भी वाई सिंगल है, तो दोनों में जो टर्म आपको दिया गया है वो सेम है, तो इसी को कहते हैं लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म में क्या होगा, जो भी आपको टर्म्स दिए जाएंगे वो सब एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ पर फर्स्ट में एक्स वाई दिया है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो एक्स वाई एंड वाई दोनों अलग हैं, और यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया गया है, तो अनलाइक टर्म में आपको सभी टर्म्स अलग अलग मिलेंगे। सेकेंड वाले में भी ध्यान दो, सभी टर्म्स आपको अलग दिख रहे हैं, तो लाइक में सभी सेम होंगे, अनलाइक में सब अलग होंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 33। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आपको कहा गया है ऐड करना है, तो जो भी आपको लाइक टर्म्स दिख रहे हैं उनको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 9p प्लस 16q 13p प्लस 2q, तो यहाँ पर 9p एंड 13p ये लाइक टर्म है क्योंकि दोनों में p है, 16q एंड 2q में, q एंड q दोनों में कॉमन है, 9p प्लस 13p ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर मिडल में आ जाएगा प्लस का साइन, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 16q प्लस 2q। क्या किया हमने, जो जो सेम था p एंड ये p वाला कॉमन टर्म हमने यहाँ पर ले लिया, ये q एंड ये q वाला टर्म यहाँ पर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 9 प्लस 13 कितना होता है 22, एंड p एंड p कॉमन आ जाएगा, फिर मिडल में प्लस का साइन, 16 एंड 2 18 आ जाएगा, और q जैसा है वैसा ही रहेगा, तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। अब आइए सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जितने भी a टर्म b टर्म एंड c टर्म वाले हैं उनको वन साइड ले लो, 2a प्लस 16a ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर आएगा मिडल में प्लस का साइन। अब b वाले टर्म देखो, यहाँ पर 6b है और यहाँ पर है 18b, तो अब b के टर्म को लिखेंगे 6b प्लस 18b ब्रैकेट क्लोज, अगेन प्लस का साइन। अब c वाले टर्म लिखेंगे तो 8c प्लस 13c आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 2 प्लस 16 कितना होता है 18a आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, 6 प्लस 18 24b आएगा, फिर प्लस 8 प्लस 13 21 आ जाएगा, और सी ऐसे आ जाएगा, तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। अब आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 13x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर दिया गया है, और राइट हैंड साइड में दिया है 6x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। x स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ पर भी x स्क्वायर वाला टर्म, तो दोनों को हम वन साइड ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 13x स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम प्लस लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब मिडल में आ जाएगा प्लस का साइन, इसके बाद y स्क्वायर इसके पास भी है और इसके पास भी है, लेकिन 12 के साथ में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12y स्क्वायर, और यहाँ पर भी है माइनस, तो आ जाएगा माइनस 8y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद क्या होगा, 13 प्लस 6 कितना होता है 19, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, फिर ये जो प्लस का साइन है उसको हम मिडल में ऐसे ही रखेंगे, तो प्लस का साइन यहाँ पर ले लेते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20y स्क्वायर, लेकिन 12 इज द बिगर नंबर, तो यहाँ पर हमें माइनस 20 पुट करना पड़ेगा। अब ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर मिडल में आ जाएगा माइनस का साइन, और स्टार्टिंग में है 19x स्क्वायर, यहाँ पर है 20
वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया समझ में कैसे किया? सबसे पहले हमने एक्स के टर्म्स को वन साइड लिया, फिर वाई के टर्म्स को वन साइड लिख लिया, और इनके साथ था माइनस का साइन, तो वो भी मैंने प्रॉपरली माइनस का साइन पुट किया। फिर इसके बाद हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमें मिला 19x2। इन दोनों को प्लस किया तो हमें मिला 20y2। 20 माइनस का साइन इसी आया क्योंकि 12 के पास माइनस का साइन था और 12 बिगर नंबर है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस प्लस की साइन और माइनस की साइन को मल्टीप्लाई किया तो हमें माइनस का साइन मिला। 19x2 जैसा था वैसे ही, और यहाँ पर 20y2 जैसा था वैसे ही। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो। अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 17a² b² प्लस 16c, और राइट हैंड साइड में दिया है 28c माइनस 28a² b². तो देखो a² b² वाला टर्म आपको यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, तो दोनों को वन साइड ले सकते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन में लिखेंगे हम 17a² b², यहाँ पर 28 के साथ में माइनस का साइन है तो पहले लिखेंगे प्लस एंड देन माइनस 28a² b², ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो इसको एक बिगर वाली ब्रैकेट में पुट कर देते हैं ऐसे। फिर मिडल में आएगा प्लस का साइन। अब सी वाले टर्म जो है उनको वन साइड ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 16c, फिर प्लस का साइन एंड देन लास्ट में आ जाएगा 28c। अब इसके बाद 17 में से 28 माइनस होगा तो क्या होगा? देखो क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 17 को माइनस करना पड़ेगा 28 से, तो आपको मिलेगा 11, लेकिन यहाँ पर माइनस 11 पुट करना पड़ेगा क्योंकि 28 बिगर नंबर है और उसके साथ माइनस का साइन है। फिर जो उसके साथ वेरिएबल्स हैं a² एंड b², इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मिडल में है प्लस का साइन, तो हम यहाँ पर प्लस पुट कर सकते हैं। 16 + 28 44c आ जाएगा, तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। अब आइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 3y² - 10y + 16, और राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है 2y - 7। तो जो भी लाइक टर्म है उसको वन साइड लेंगे, और जो अनलाइक टर्म है या जो सिंगल टर्म है उसको हम सिंगल ही रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3y², वाई स्क्वायर वाला टर्म सिर्फ एक ही है, आगे आपको कहीं पर भी वाई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम सोल्यूशन में 3y² को सिंगल ऐसे ही रखेंगे। अब देखो जो y है उस टर्म को हम एक एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -10y, फिर यहाँ पर है +2y, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब जो आपको नंबर्स दिए गए हैं 16 है, यहाँ पर है -7, इसको भी एक ब्रैकेट में ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा -7, मिडल में रहेगा प्लस का साइन, यहाँ पर भी रहेगा प्लस का साइन। आगे सॉल्व करेंगे, 3y² को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8y, फिर मिडल में आ जाएगा प्लस का साइन जो यहाँ पर है, एंड देन 16 - 7 करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 9। तो बस इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। अब आइए सिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो जो लाइक टर्म है उनको वन साइड ले लो। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों टर्म्स को हम वन साइड ले सकते हैं, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे -3y², यहाँ पर है 7y², मिडल में आ जाएगा प्लस का साइन, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन। अब हम y के टर्म को एक साइड ले सकते हैं, लेकिन आगे कहीं पर भी y नहीं है, तो हम 10y को ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसके बाद है नंबर्स, प्लस का साइन आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे -16 + 8, ये एक ब्रैकेट में आ गया। ब्रैकेट को सॉल्व करना है, -3 + 7, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 7 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y², मिडल में है प्लस का साइन, तो जैसा है वैसे ही रहने दो। 10y को कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, यहाँ पर आपको -8 मिलेगा क्योंकि 16 बिगर है और उसके साथ में माइनस का साइन है, तो अब यहाँ पर आपको मिलेगा -8, यहाँ पर है प्लस, तो प्लस एंड माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर रहेगा 8, तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 33 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 34 करेंगे। ऐसे ही इसी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।